पी लेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे टांकों हुआ है, यानी कि आपकी डिलीवरी सीजेरियन हुई है, तो उस केस में आपको ठंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरी फ्रेंड्स, जब आप ठंडा खाते हैं, ठंडा की यानी कि अगर आपने आइसक्रीम खा ली या फिर आपने ऐसी या फिर पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, चिल्ड है, एकदम फ्रिज का है, तो आप उसे पी रहे हैं, तो ऐसा क्यों मना किया जाता है, क्यों कहा जाता है कि आप गुनगुना पानी जो है वो लीजिए, ज्यादा ठंडी चीजें मत खाइए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई चीज को ठंडा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि खून जो हमारी बॉडी में बहता है, उसकी जो रफ्तार है, यानी कि जिस तरीके से ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो जो है वो स्लो हो जाता है, उसकी वजह से जब हम किसी ठंडी चीज को खाते हैं। तो इसलिए जो है आपको जो है ठंडी चीजों को खाने से मना किया जाता है। इसलिए आपको ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम, चिल्ड वाटर, इस तरीके की चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जब आपका ब्लड फ्लो जो है धीरे होने लगता है, इस एक तो इसका ये कारण है। दूसरा, जब आपका ब्लड फ्लो जो है कम होने लगेगा तो आपको इम्यूनिटी जो है आपकी वो वीक होने लगेगी। इम्यूनिटी की वीक होने की वजह से आपको सर्दी जुकाम ये बहुत जल्दी बन जाएगा। और जब अगर सर्दी जुकाम बन जाता है, जैसे कि हमें छींक आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, तो इसकी वजह से जब हम खांसते या बहुत तेज के छींकते हैं तो हमारे टांकों पे एकदम से जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे टांकों में दर्द उठने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको जो है ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा। क्यों कहा जाता है कि हमेशा हेल्दी डाइट लीजिए, एक हेल्दी खाना खाइए, जब भी आपकी डिलीवरी हुई है उसके बाद आपको रिकवरी अगर फास्ट करनी है तो आप जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतनी ही जल्दी आप सही होंगे। इसीलिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है हो और आप इन सब बीमारियों से बचे रहें और जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसी ठंडी चीजें नहीं खानी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूसेस वगैरह की। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि हम अगर जूस पी लेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे टांकों जो है वो पक जाएंगे या फिर ऐसा कुछ जो है दिक्कत हो जाएगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जूस पीने के लिए आपको मना नहीं कर रही हूँ। जूस में आप बर्फ डाल के मत पीजिए, जूस को आप चिल्ड मत पीजिए, आप फ्रिज का रखा हुआ मत लीजिए। नॉर्मल जूस जो एकदम फ्रेश बनता है वो आपको ताजी फलों का जूस लेना है, ना कि आपको टेट्रा पैक लेने हैं, तो वो जूस आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं कौन सी ठंडी चीजों की बात कर रही हूँ, मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मुझसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।